नमस्ते, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग भक्ति रस के बारे में पढ़ते हैं। भक्ति रस, उसके बाद फिर से एक बार संक्षिप्त चर्चा हम लोग कर लेंगे रस का, है ना। श्रृंगार रस हम लोग पढ़ चुके हैं, करुण रस, रौद्र, विभत्स, शांत, वीर, हस्त, भयानक, अद्भुत, वात्सल्य, ये सारे रसों को हम लोगों ने देख चुका है, पढ़ चुका है। आज हम लोग भक्ति रस की चर्चा करेंगे। भक्ति रस जो है, इसका स्थायी भाव है भागवत भक्ति, भगवान के प्रति आराधना, भगवान की आराधना, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। तो यह है, उसमें आएगा आपका भक्ति रस। भक्ति रस ऐसी कविता जिसे पढ़ने पर हमारे अंदर ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था, उनके प्रति स्नेह उत्पन्न होता है, तो वहां पर भक्ति रस माना जाता है। तो उदाहरण आइए हम लोग देखते हैं। उदाहरण है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, सोवत जागत स्वप्न दिवस निश, सोवत जागत स्वप्न दिवस निश, कान जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इसमें गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह है। हारिल एक चिड़िया का नाम है, हरे रंग का कबूतर की तरह वो चिड़िया दिखती है, और उसकी खासियत है कि वो हमेशा अपने साथ लकड़ी का टुकड़ा लिए हुए रहती है। लकड़ी का टुकड़ा उसकी चंगुल से छूटने का मतलब है उसकी मृत्यु होना। तो जिस तरह से हारिल हमेशा लकड़ी अपने साथ रखा करती है, लकड़ी के टुकड़े को अपने साथ रखती है, नहीं कुछ मिला तो तिनके को ही अपने साथ ले लेती है, उसी तरह से मेरे साथ हमेशा श्री कृष्ण रहते हैं। सोने के वक्त भी, जागने के समय भी, स्वप्न में भी, दिन में भी, रात में भी, हर समय, हर क्षण, हर पल श्री कृष्ण मेरे पास, मेरे अंदर रहते हैं, मेरी आत्मा में वो रहते हैं। तो यहाँ पर भक्ति रस है। मीरा की पंक्ति है, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर भी भक्ति रस है,
हरे गोपाल मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई जिसके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी मीरा कहती है मैं काम्या भक्ति है, काम्या भक्ति कहते हैं जिसमें भक्त और भगवान के बीच पति पत्नी का संबंध स्थापित किया जाता है, बताया जाता है, वहां काम्या भक्ति है, काम्या शक्ति है। तो यहां मीरा कहती है श्री कृष्ण के विषय में कि मेरे पति वही हैं जिन्होंने गिरधर को उठाया था, जो गोपाल यानी श्री कृष्ण हैं, जिनके माथे पर मोर का मुकुट है, वैसे श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। मैं उन्हीं के लिए साधु ढिंग बैठ लोज लोक लाज कोई, है ना, साधु संतों के बीच में बैठ करके उन्हीं के लिए मैंने अपनी लोक लाज का, अपने सामाजिक बंधनों का, सामाजिक संस्कारों को मैंने त्याग दिया। तो यहाँ पर भी भक्ति रस है ना। कबीर के भी पंक्तियों में भक्ति रस आपको मिल जाएगा। जैसे मेरे घर आयो हो राजा राम भर तार, मेरे घर आयो हो राजा राम भर तार, तन रति करिहा मन रति करिहा पांचो तत्त बराती, राजा राम मोह से ब्याहन आए मैं यौवन मदमाती, मैं यौवन मदमाती। तो यहां पर भी भक्ति रस है। आइए एक बार फिर से हम लोग संक्षिप्त में, है ना, इन रसों को देख लें। श्रृंगार रस यानी रस की संख्या, रस कहते हैं विभावानुभाव संचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। विभाव जिसको हम कारण कह सकते हैं, अनुभाव उस कारण के फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रियाएं, संचारी भाव जो शारीरिक परिवर्तन आ जाता है, शरीर में परिवर्तन आ जाते हैं, संचारी भाव हो गए। तो इन सारी प्रक्रियाओं के बाद जो अंत में कंक्लूजन आता है वह रस। रस के लिए कहा गया है कि रसो वैसा है, रस वैसा ही है। कैसा है? तो ब्रह्मानंद सहोदर की तरह है। जिस तरह से किसी भक्त को ब्रह्म के सानिध्य में पहुंच जाने पर जो आनंद की अनुभूति होती है, वही अनुभूति श्रोता को, वही अनुभूति पाठक को, वही अनुभूति दर्शक को, वही अनुभूति अध्येता को होती है, रसानुभूति, है ना, रस की वही अनुभूति होती है। तो रस की संख्या
नौ माने गए हैं। अब जो है विगत कुछ वर्षों से भक्ति रस और वात्सल्य रस को भी रस के अंतर्गत रख दिया गया है। तो आइए अब चर्चा करते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में नायक नायिका के श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। इसमें नायक नायिका के मिलन और बिछुड़न दोनों रूप को दिखाया जाता है। जहाँ मिलन चित्र प्रस्तुत किया जाता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार है। जहाँ दोनों को अलग अलग दोनों एक दूसरे के लिए नायक नायिका दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार है। वहाँ पर वियोग श्रृंगार है, विपुलम श्रृंगार है। उसके बाद तब आता है स्थान करुण रस का। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। किसी के मरने पर, किसी की मृत्यु शैया पर रहने पर, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाने पर है ना, इस रस की उत्पत्ति होती है, इस रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव है शोक। रौद्र, रौद्र रुद्र से बना हुआ शब्द है। रौद्र, रुद्र भगवान शिव को कहा गया है। शिव जब अपने क्रोधित रूप में आते हैं तो रुद्र हो जाते हैं, रौद्र हो जाते हैं। तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, गुस्सा करना। और उसके बाद है विभत्स। विभत्स का स्थायी भाव है घृणा। यानी ऐसा चित्र, ऐसे दृश्य को देखना, ऐसे ऐसे चीजों के बारे में पढ़ाई करना, पढ़ना या देखना जिससे हमारे अंदर घृणा का भाव पैदा होता है, नफरत का भाव पैदा होता है ना, तो वहां पर विभत्स रस है। इसके संचारी भाव है नाक बंद करना है ना, नाक सिकोड़ना, छी छी की आवाजें करना है ना, थूकना, ये सारे इसके संचारी भाव है। और स्थायी भाव है इसका घृणा। शांत रस का स्थायी भाव है श्रम। श्रम यानी वैराग्य है ना, दुनियादारी से रिश्ता को तोड़ लेना है ना। तो यह है शांत रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी है ना, जिसके ऐसी कविता जिसे पढ़ने पर हमें हंसी फूटने लगे, हंसी की अनुभूति होने लगे, हम हंसने लगे, अपनी हंसी को रोक नहीं पाए, तो वहां पर वहां हास्य रस है ना। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है ना, भय। और इसका संचारी भाव है कांपना, भय के मारे चेहरा पीला पड़ जाना, आवाज रुंध जाना, आवाज सही से नहीं निकल पाना, चल नहीं पाना, गिर जाना, मूर्छित हो जाना, ये सारे इसके संचारी भाव है। भयानक रस, अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय या आश्चर्य। भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर भक्ति, भगवत भक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था। और वात्सल्य का स्थायी भाव है संतति रति, अपनी संतान के प्रति स्नेह दिखाना, यह है वात्सल्य रस। इस तरह से रस के
नौ प्रकार हैं, भक्ति और वात्सल्य दोनों को जोड़ देते हैं तो 11 हो जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना। तो ये 9 रस है, श्रृंगार, करुण, रौद्र, विभत्स, शांत, वीर, हस, भयानक, अद्भुत है ना। ये 9 रस है और बाकी 2 रस नए आगे हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस है ना। तो श्रृंगार रस का उदाहरण, श्रृंगार के 2 भेद, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन चित्र को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय, शाह करे भवहनि हसे, देन कहे नट जाय। उसके बाद वियोग श्रृंगार का, निश्चिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। तो यहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। उदाहरण, जौ मैं जनित हूँ बंधु बिछोही, पिता वचन मानता हूँ नहीं ओही। अगर मैं जानता, श्री राम का कथन है, अगर उन्होंने कहा शक्तिवान लगने पर कि अगर मैं जान, लक्ष्मण को शक्तिवान लगने पर कि अगर मैं जानता कि वन में जाने पर मुझे अपने भाई को खोना पड़ेगा तो मैं पिताजी की बात को, उनके आदेश को मैं उसी समय ठुकरा देता। करुण रस है, रौद्र रस, रेंद्र पे बालक काल बस बोलत तो ही निसंभाज, धनु ही समुद्र पुराण धरु, धनु विदित सकल संसार। विभत्स रस, विभत्स रस का भुज भुज गेश की वे संगनी, भुजंगनी सी खेदी खेदी खाते थी, दारुण दलन के बख्तर पाखरन बीच धस जाति बीन में, पैरी पार जात पर बाज जलन के, पक्षी पर छीने ऐसे पैरे पर छीने, वीर तेरी पर छीने पर छीने कलन के, निकसत मयान ते मयूखर प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से जयंतन के जाल को, प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, काली का सिक्की लगी कले उदेती काल को, प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, काली का सिक्की लगी कले उदेती काल को, है ना। भूषण की कविता है, शिवाजी महाराज के शौर्य को यहाँ पर बताया गया है। युद्ध क्षेत्र में वो अपने दुश्मनों को मार रहे हैं, है ना, तो उनके उनकी बर्छी से आहत होकर के दुश्मन ऐसे तड़प रहा है जैसे मानो किसी चिड़िए के पंख को काट दिया गया है, और उसके बाद उनकी तलवार से आहत होकर के अपनी तलवार से दुश्मनों को काट रहे हैं, शत्रु सेना को काट रहे हैं, काटते जा रहे हैं, पुलकित होकर के काट रहे हैं, और उसके शौर्य को, उसके रक्त को, है ना, वो कालिका की तरह, माँ काली की तरह वो चित्कार भरते हुए काल को चढ़ाते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी रौद्र, यहाँ पर भी विभत्स रस है। शांत रस, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजति कमलिनी, कुलवल्लभ की प्रभाव। तो यहाँ पर ये प्रिय प्रवास की पंक्ति मैंने आपको सुनाया, तो यहाँ पर भी यहाँ शांत रस है। तदंतर बैठी सभा उतज के आगे, नीले वितान तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, प्रणाम उत्सुक भया तुरों के थे वे, वह स्वर्ग लोक था कहाँ चांदनी वैसे, प्रभु बोला किरा गंभीर निर्निधि जैसे। हे भरत भद्र अब कहो अभिचित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, कहते आते थे युगों से यही सभी नर देही, मातान को माता होवे पुत्र को पुत्र भले ही, पर हाय विरुद्ध विधाता पुत्र पुत्र है माता माता। तो यहाँ पर भी जो है वो शांत रस है। वीर रस, वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये है, यहाँ पर है वीर रस। हास्य रस,
कबूतर ये खरबूजे से पेट है ना, खरबूजे से गाल है ना, जैसे एक दो तिहाई अंधे गए बाजार में, एक दो तिहाई अंधे गए बाजार में, चेचक से भरे हुए चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा, कटहल कितने रुपए? तो यहां पर भी हास्य रस है। उसके बाद भयानक रस, फिर घर से नूतन पथिक चलित चकित चित भाग, फुल्यो देखि पलाश वन समूह से मुझ दाबाग। भयानक रस है, अद्भुत रस, अद्भुत रस का है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिन रसना नाना रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बर जोगी। यहाँ पर अद्भुत रस है। भक्ति रस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वात्सल्य रस, मैया मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीने तुहें जसुमत कब जायो, कहा कहो यह रिस के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता कौन तिहार होतात। गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देत बलबीर। तू मोही को मारन सीखी दाऊ कबहु न कीजे। तो यहां पर भी यहां जो है वात्सल रस है। यशोदा हरि पाल ने झुलावे, हल रावे दुलराय, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ नंदरिया काहे न आन सुआवे, तू काहे न बेगई आवे तो को कान बुलावे। यहाँ पर भी वात्सल्य रस है। मैया यह कदम का पेड़ अगर मां होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो यहाँ पर भी वात्सल्य रस है। तो संक्षिप्त में मैंने विस्तार से आपको कई वीडियो डाल करके समझाया है, संक्षिप्त में आज मैं पुनः आपको समझा दिया इन 9 रसों को और 9 रस के स्थाई भाव को। उसके अलावे जो है संचारी भाव 33 है, संचारी भाव 33 है, वो है सब तो नहीं, जिसमें से मैं कुछ आपको बता दे रहा हूं। निर्वेग, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, निद्रा, अभिप्सा, औत्सुक, उन्माद, शंका, स्मृति, लज्जा, हर्ष और धृति। 33 है संचारी भाव, अंगिक यानी शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं इन रसों के साथ। तो संचारी भाव आपको नहीं आता है, आपका आएगा परीक्षा में, आपको स्थाई भाव आएगा और उसके रस का नाम बताने के लिए आएगा, या पूछेगा कि अमुक रस का स्थाई भाव क्या है, या अमुक स्थाई भाव किस रस का स्थाई भाव है। तो इसी के साथ ही रस संपन्न हुआ। उम्मीद है कि आपको रस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास है, आप संपर्क साध सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।